देखो इसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है? एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? एस्टरीकरण अभिक्रिया के लिए एक अम्ल लेंगे और एक अल्कोहल लेंगे, समझ रहे हो? तो अम्ल कौन सा लेंगे? इथानिक अम्ल लेंगे। इथानिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH इथानिक अम्ल है। अब इसके साथ क्या ले रहा हूँ? इथाइल अल्कोहल ले रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ठीक, बनेगा जो वो एस्टर होता है। तो बन क्या रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये कौन है? अम्ल है। अम्ल क्या चीज देता है? H प्लस आयन देता है। ये कौन है? क्षार है। क्षार क्या देता है? OH माइनस। इसका H और इसका OH मिलके क्या बन जाएगा? जल। क्या बन गया? जल। और इसका क्या बचा? CH3COO और इसमें क्या बच रहा है? C2H5। यही कौन है हमारा? एस्टर। इसका नाम क्या है? एस्टर, समझ रहे हो? इसको स्ट्रक्चर खोल के बना लो। स्ट्रक्चर खोल के भी ज़्यादातर देते हैं, तो स्ट्रक्चर खोलोगे तो क्या होगा? पहले C लिखोगे, कितनी हाइड्रोजन है? तीन, तीन हाइड्रोजन लिख दिए। इसके बाद कौन है? सी, सिंगल बॉन्ड सी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखाता है, फिर सिंगल बॉन्ड एच। ये इथानिक अम्ल प्लस इथाइल अल्कोहल को कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी कितनी हाइड्रोजन होंगे? दो हाइड्रोजन, और साथ में क्या लगेगा? OH। ये समझा कि नहीं? ये कौन है? अल्कोहल। और ये कौन है? ये इथाइल अल्कोहल है। और ये कौन है? इथानिक अम्ल। इसी को खोल दिए हैं। अब देखो यहाँ पे कौन हटेगा बताओ? यही हट जाएगा। और इसका कौन हट जाएगा? वही हट जाएगा। तो बनेगा क्या? स्ट्रक्चर के रूप में बना रहा हूं मैं, क्या बनेगा? CHH। उसके बाद कौन है? सी डबल बॉन्ड O। इसके बाद सिंगल बॉन्ड O। और इसी में आकर के कौन लग जाएगा बताओ? ये वाला ग्रुप लग जाएगा। तो CHH CH3। ये चीज और ये चीज सेम है, समझ रहे हो? और प्लस क्या निकल रहा है हमारा? जल। एस्टरीकरण अभिक्रिया कैसे बनाए, समझ में आया? इसके लिए क्या लिया? पहले इथानिक अम्ल लिए और क्या लिए? इथाइल अल्कोहल। अम्ल H प्लस आयन देता है, अल्कोहल जो है हमारा क्षार वो क्या देता है? OH। तो OH और H मिलके क्या निकल जाएगा? पहले जल। और इसका जो बच्चा, इसका जो बच्चा उसको लिख दो बस। तो इसका क्या बोल, इसका नाम क्या हुआ? एस्टर। इसका नाम क्या है? एस्टर। और जिस मेथड से हम लोग इसको कर रहा हूं उसको एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, समझ रहे हो? अब एस्टर क्या काम पे आता है? ये मृदु सुगंधित होते हैं, मतलब इसकी महक थोड़ा होता है। इसको इतर इतर में इतर बनाने के लिए यूज होते हैं। और जो हम लोग फ्रूटी वगैरह खाते हैं ना, फ्रूटी में मैंगो, जैसे मैंगो वगैरह महक नहीं होता है, उसमें यूज करते हैं फ्रूटी में। वो एक्चुअली फ्रूटी में मैंगो नहीं रहता है, मैंगो जूस नहीं रहता है। ये एस्टरीकरण मेथड से ही उसकी महक बोलो चाहे जो भी सुगंधी बोलो उसको बनाया दिया जाता है, समझा? अब इसकी रिवर्स रिएक्शन भी पूछते हैं, मतलब कहने का मतलब अभी क्या बना था यहाँ पे? एस्टर बन चुका था। अब एस्टर को हम किससे रिएक्शन करवाऊंगा? NaOH से। एस्टर को NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा? देखो ये वाला हो गया ना, नोट कर लिया हो ना, कर लो जल्दी। अब देखो इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो एस्टर फॉर्मेशन हुआ था ना, एस्टर बना था, उसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, एस्टर को ले रहा हूं CH3COOC2H5, एस्टर था। इसके साथ किसका रिएक्शन करवा रहा हूं मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बनेगा? तो यहां पे बताओ ये NaOH कैसे टूटता है? NaOH कैसे टूटता है? Na प्लस OH माइनस। C2H5 क्या करेगा? ये C2H5 ये OH माइनस को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। देखो पुनः अल्कोहल बन जा रहा है, देखो अल्कोहल था ना, फिर अल्कोहल बन गया। और बच रहा है कौन? CH3
COOONa जाकर के यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये टूटता है ना इसके ऊपर माइनस से आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है, तो माइनस इसके प्लस के साथ और C2H5 इसके OH- माइनस के साथ लेकर के इथाइल अल्कोहल, और ये कौन है सोडियम एसीटेट मतलब अम्ल का लवण एक बना देते हैं, और ये साबुन बनाने में काम पे आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस मेथड को साबुनीकरण भी बोलते हैं। साबुनीकरण आएगा तो क्या करोगे, एस्टर के साथ NaOH का अभिक्रिया कराने पे क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट की लवण बन गया। इसी मेथड को साबुनीकरण भी बोलते हैं। और साबुन में कार्बन की लंबी चेन होता है C17H35 मतलब C7H35 COONa होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये साबुन होते हैं पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बन जाता है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद और एक है, इसको नोट कर लो जल्दी, इसके बाद और एक चीज़ है उसको, जे इथानिक अम्लों का एक रासायनिक गुण बताइए, या फिर ऐसे भी दे सकता है वो इथानिक अम्लों के साथ क्षार की अभिक्रिया। क्या बोला मैं, इथानिक अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया। तो इथानिक अम्ल क्या होता है पहले बताओ, इथानिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH इथानिक अम्ल, किसके साथ अभिक्रिया बोला मैं, क्षार, कोई भी एक क्षार ले लेते हैं, मैं मान लो NaOH ले लिया, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, एरो देकर के क्या बनेगा, आपको ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, इथानिक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये भी पूछ सकता है। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हर टाइम ध्यान में रखना, अम्ल है तो क्या देता है H प्लस, क्षार है तो क्या देगा OH माइनस, इसका OH और इसकी H मिलके क्या बना जाए, बन जाएगा पहले जल निकल जाएगा, इसका क्या बचा CH3COO और इसके साथ में ला करके Na लगा दो, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और जल बन गया। ये किसका है, इथानोइक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा,